देखिए आप लोग हृदय से न लीजिए, हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारा पप्पू भैया का संबंध ये आप मान लीजिए कम से कम 20 से 25 वर्ष का है। मैंने कीर्तन में शुरुआत की थी तब से पप्पू भैया के सानिध्य में हूँ और चूंकि एक बढ़िया संयोग है आपका भी नाम ढाई अक्षर से पप्पू, हमारा भी नाम है शंभू, तो थोड़ा सा मिलता जुलता मामला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चलाओ एक रचना जनमानस के बीच में, थोड़ा सा आपने मामला बदला है नीलम जी, मैं भी सोच रहा हूँ मामले को बदला जाए, गीत आपने दिया है तो मैं भी सोच रहा हूँ एक रचना पढ़ी जाए। देखिए नीलम जी, गीत आपने एक पुराना सा दिया है, मैं भी सोच रहा हूं एक पुराना सा गीत दिया जाए आपको। क्या बात है, एक गीत बहुत प्यारा सा बजा और फिल्मी कलाकारों ने गाया। कौन सा बेटे? अरे प्रेम की गली भैया, एक गीत में पहली बार गा रही हूं, मैं भी आपके सामने पहली ही बार गा रहा हूं और मैं इस गीत को ही दूसरी बार गा रहा हूं। एक बार मध्य प्रदेश में गाया था राखी जी से और आज आपसे गा रहा हूं। सुनिए गीत कह रहा है, अरे प्रेम की गली में तो प्रेम की गली में एक सुंदर सा घर बना, कलियां ना मिली ना सही कांटों से सजाएंगे, हम तो हीरा मोती से सजाते पर क्या करें, पास हमारे जो पैसा हो, पास हमारे जो पैसा भैया सुरेश पाल जी शाह के निवासी हैं, आपकी ओर से ये 51 रुपए का प्रेम प्रसून आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत कुछ और कह रहा है, झिलमिल झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसे नीलम जी, पप्पू या पप्पू या, बहुत ध्यान से सुनिएगा और हमारे केस म्यूजिक सम्मानी संजय भैया आप इस गीत को प्रसारित करिएगा। हेलो, घटना ले रहा हूं सम्भो, हम ये कह रहे हैं विजेता पार्टी को 1100 रुपए मेरी तरफ से सुबह मिलेगा अलग से, 1100 रुपए का इनाम मेरी तरफ से अलग से है जो भी जीतेगा, ये पार्टी हमारी सब तय करेगी। देखिए भैया विजेता वो विजेता कोई है नहीं, उसका कारण आप समझिए, हमारी नजर में कोई नहीं है, आप इस बात को अपने हिसाब से कहिए और पैसे जोड़कर रखिए, सवेरे आप उसका फैसला करिए, ठीक है ना, आपको किसको देना ये आप समझिए। हाँ हाँ, ना कोई ले तो हम लोगों को, हाँ ना कोई ले तो ये लोगों को दे दीजिएगा। आइए, नहीं
ये जनमानस का काम है, कौन हारा कौन जीता आप लोग पारखी हैं, समझ सकते हैं। आइए चलाओ, सुनिएगा, हमको अपना काम करना है, हार जीत का फैसला आपको करना है। क्योंकि किसान मेहनत करता है, खेत जोतता है, बोता है, फल तो ईश्वर देता है। क्या बात है। और आप भी ईश्वर हैं, जनता जनार्दन होती है, जनार्दन यानी ईश्वर। ईश्वर से निवेदन है कि आप लोग हमारी बात सुने, सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। माता भवानी भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही है। नीलम जी सुनिएगा, लोगों ने श्रृंगार सुना होगा फूलों से, आभूषणों से, लेकिन मां ने श्रृंगार भोलेनाथ का किया किस चीज से, सुनिएगा जरा। और ये कामता यादव जी, आपकी ओर से बहुमूल्य ये 21 रुपए का इसने आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आजू शुक्ला भैया, आजू शुक्ला जी, हंसराज होटल, आपकी ओर से बहुमूल्य 51 रुपए का प्रेम प्रसून आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी उसको अंगुली ना करो, बहुत बढ़िया बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है। आइए फटाफट, नहीं अब सही बोल रहा है तो डिस्टर्ब ना करो। आइए चलाओ, सुनिएगा, मां ने श्रृंगार किया भोलेनाथ का कैसे ऐसे। तो एक बार गौरा ने शिव का दादा संजय वाजपेयी जी, सुनिएगा जरा प्रयोग को। तो एक बार गौरा ने शिव का सर्पों से श्रृंगार किया, और अंग अंग में नाग लपेटे स्वामी का सत्कार किया। पिंगल तक्षक बरजतिया पनिया सब माने भोलेनाथ के शरीर में लपेट दिए। आदरणीय जन समुदाय, कंगन का स्थान खाली रह गया, और जब कंगन का स्थान खाली रह गया तो दुनिया में जब कोई सर्फ नहीं बचा तो सर्फ बचा कौन, भगवान शेष बचे। तो देखिए मां ने किया क्या। अरे शेष बने जब कर का कंगल तो शिव के घर में पधारे हैं, और अस्कों के दो बूंद गिरे अरे मारे कष्ट के मारे हैं। शेषनाग जी की आंखों से दो बूंद यानी दो आंसू गिरे तो वो थे कौन, तो शेष जी के जो ही सजल हुए नैना, शेष जी के जो ही सजल हुए नैना, एक से सुलोचन बनी एक से सुनैना। गीत को सुनते जाइए, आनंद आ जाएगा आपको। तो कारे वा कजरा रे नैना, नैना सुनैना, शेष जी के दे को सजल हुए नैना, एक से सुलोचन बनी एक से सुने। भैया जी, एक से सुलोचना का प्रादुर्भाव हुआ और
एक से सुनैना का प्रादुर्भाव हुआ। कहां जा रहे हो तुम? हर कार्यक्रम में गड़बड़ करते हो, रखो डंडा ये। और ये गलत समय है, मत जाओ। इस टाइम कहां जा रहे हो तुम? फिर भी नहीं मान रहे हो। जहां जा रहे हो वहां भी डिस्टर्ब करोगे जाके। अरे सुनिएगा, चलाओ दूसरे प्रयोग को देखिए। आदरणीय जनसमुदाय, तो सुमुख सुलोचन सुनैना का, सुमुख सुलोचन सुलोचना का रूप सुशोभित हो गया, और 1000 फन में एक फन। पप्पूया जब सुनिएगा प्रयोग को, शेषनाग जी के 1000 फन है और हुआ क्या, 1000 फन में एक फन, उस रूप पे मोहित हो गया, मोहित हो गया, मोहित हो गया। अरे शेषनाग जी को अचंभा हो गया। शेषनाग जी ने कहा, सुनो, अरे जिस पे नजर गलत डाली वो बिटिया लगे तुम्हारी है, तब 999 फन समझाते बारी बारी है, समझाते बारी बारी है, समझाते बारी बारी है। और कह रहे कि बिगड़ जो गई तो फिर बात बने ना, बिगड़ जो गई तो फिर बात बने ना, एक से सुलोचन हुई एक से सुनैना हो। आदरणीय जन समुदाय, कीर्तन सात्विक आनंद है। देखिए मैं गीत को कहां ले जा रहा हूं, यही देखो। 999 फन समझाते रहे पर वो फन किसी की नहीं माना, और जब नहीं माना तो शेषनाग जी ने किया क्या, क्या? अरे बातों ही बातों में फन वो, तो शेष ने फन वो काट लिया, माना नहीं किसी की जब वो, तो शेष ने फन वो काट दिया, शेष ने फन वो काट दिया, शेष ने फन वो काट दिया। नीलम जी वही फन, वही फन। अरे सतयुग से चल करके फनवा तब त्रेता में आया है, और वरण किया है सुलोचना का, और मेघनाथ कहलाया है, तो जीवन है सुखमय, जीवन है सुखमय दिन वारेना, एक से सुलोचन हुई एक से सुनैना।
वापस आ रहा है, क्योंकि तब तक शेषनाग जी के 999 फन रहे, कब तक, जब तक मेघनाथ का पद नहीं हुआ। क्या बात, आइए संभूल चल टुकड़े को जोड़ रहा है कि शेष के बाकी बचे शेष फल, अरे शेष के बाकी बचे शेष फल एक अंश में आए हैं, और दशरथ नंदन राम के भाई लखन लाल कहलाए हैं, लखन लाल कहलाए हैं, लखन लाल कहलाए हैं। और किया क्या, अरे मेघनाद को मार गिराया, अपना धन अपनाया है, और हिंदुस्तानी लखन लाल ने उसे फिर से नाग बनाया है, फिर से नाग बनाया है, फिर से नाग बनाया है। तो ग्रंथों के हलचल, ग्रंथों के हलचल मचाते मैना, एक से सुलोचन हुई एक से सुने, ग्रंथों के हलचल मचाते मैना, एक से सुलोचन हुई एक से सुने, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बिल्कुल बेटे, हेलो हेलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कहा बेटे, प्रेम की गली में हो
वॉल्यूम बढ़ा दे, वॉल्यूम बढ़ाओ भाई जान। झिलमिल
के समझ में आए। अब देखिए 999 फंड आप गिना रहे हैं। हमको लगता था कि जैसे हम मैथ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल देखिए आपका सुंदर जवाब सवाल रहा, लेकिन फिर भी प्रयास सुनेगा। कि लक्ष्मी पे मन आया उसका हो, मोहित हो गए। आपने कहा कि एक फंड सुलोचना के ऊपर मोहित हो गया, जो रिश्ते में उसकी पुत्री है। अब देखिए भगवान श्री हरि की प्रिया लक्ष्मी जी पर वो मोहित हो गया, तो जब हुआ क्या बने कि लक्ष्मी पे मन उसका आया, कि लक्ष्मी पे मन आया उसका, तब लक्ष्मी घबराई है, जल से दोनों की उत्पत्ति, समुद्र से माता जानकी, क्षमा कीजिए लक्ष्मी की और जालंधर की, तो कहना जल से दोनों की उत्पत्ति, तू तो मेरा भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। जल से दोनों की उत्पत्ति, तू तो मेरा भाई है, तो भाई बहने काम न बात बने ना, भाई बहन के बीच में वासना हो तो कहना कि भाई बहन में काम वासना बात बने, जान गए करे हम तो ये बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, तो कहना भर भर आए उन दोनों के नए हो, एक टुकड़ा और सुनिएगा बड़े भैया। सुनिएगा कि विष्णु ने छल किया सती से, कि विष्णु ने छल किया सती से, वो सती जब वृंदा के साथ भगवान विष्णु ने छल किया जालंधर का रूप बनाकर, तो हुआ कि विष्णु ने छल किया सती से, शिव ने जालंधर मारा है, तो कि भस्मी से तुलसी जन्मी, भस्मी से माता तुलसा का जन्म हुआ, तो भस्मी से तुलसी जन्मी, जिसको विष्णु ने धारा है, वही वृंदा तुलसी हुई और वही भगवान विष्णु शालक राम हुए, तो कहना कि बिन तुलसी के हर की पूजा बने ना, शालक राम की पूजा बिन तुलसी के संभव नहीं है, कि बिन तुलसी के हर की पूजा